आधुनिक सुविधाओं के दौर में सभी आधुनिक सुविधाओं वाला सफिया हॉस्पिटल अमरिया एक्सिस बैंक के बराबर में पीलीभीत रोड, जहां पर सफिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद उमर MBBS जनरल फिजिशियन के कुशल नेतृत्व में प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ के जरिए सभी प्रकार की बीमारियों जैसे डायरिया, डेंगू, टाइफाइड, काला पीलिया, पुराना दर्द, चर्म रोग, लीवर, किडनी, पेट, फेफड़ों, थायराइड, BP, शुगर एवं दिल से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। वही सफिया हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा, नॉर्मल डिलीवरी, स्त्री रोग एवं बच्चों के सफलतापूर्वक इलाज के लिए सफिया हॉस्पिटल के जनरल मेडिसिन विभाग में डॉक्टर मोहम्मद उमर MBBS जनरल फिजिशियन, डॉक्टर अजहर खान BMS जनरल फिजिशियन, बाल रोग विभाग में डॉक्टर आजाद खान MBBS MD, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में डॉक्टर सिद्रा मदनी BSc BUMS स्त्री रोग चिकित्सक जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली आदि की सफिया हॉस्पिटल में 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। वही सफिया हॉस्पिटल में फोटोथेरेपी मशीन द्वारा नवजात शिशुओं के पीलिया का सफल इलाज, ECG के द्वारा दिल की जांच, नेबुलाइजर की सुविधा, ICU की सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। वही सफिया हॉस्पिटल में 24 घंटे मरीजों की भर्ती की सुविधा एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। इसकी जानकारी देते हुए सफिया हॉस्पिटल के डॉक्टर अजहर खान ने बताया। जी, मेरा नाम डॉक्टर अजहर खान, जनरल फिजिशियन, सफिया हॉस्पिटल, मेन रोड, नियर एक्सिस बैंक, अमरिया। डॉक्टर साहब, आपके सफिया हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन और गायनी ऑप्स प्लस और भी जो केसेस होते हैं, जैसे कि जनरल में टाइफाइड, डेंगू और काला पीलिया और जितने भी संबंधित रोग होते हैं, थायराइड, BP, सारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर साहब, और किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? स्पेशलिटी में हमारे यहाँ फोटोथेरेपी मशीन द्वारा नवजात शिशुओं का पीलिया का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ ECG मशीन से दिल की जांच की जाती है और हमारे यहाँ नेबुलाइजर की सुविधा उपलब्ध है, ICU की सुविधा उपलब्ध है, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। सिजेरियन भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, आपके कौन कौन से डॉक्टर ऐसे हैं जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं? यहाँ पर हमारे यहाँ पूरा पैनल है, जिसमें के हमारे यहाँ MBBS MD डॉक्टर आज़ाद खान और MBBS डॉक्टर हैं हमारे डॉक्टर मोहम्मद उमर, जो पूर्व में सुशीला तिवारी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और डॉक्टर आज़ाद खान MD पीडियाट्रिशियन, जो कई बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और यहां अमरिया में उपलब्ध रहेंगे, और साथ में डॉक्टर सिद्रा मदनी जो ऑप्स गायनी देखेंगी। हमारे यहाँ सबसे पहले जो जोर दिया जाता है वो नॉर्मल डिलीवर पर दिया जाता है, कि पॉसिबिलिटी अगर नहीं है तब हम ध्यान देंगे कि उसका सिजेरियन हो, लेकिन हमारी वरीयता जो रहती है सबसे पहले वो रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्मी का मौसम है, अचानक बारिश हो जाती है, फिर गर्मी होने लगती है, ऐसे में कई तरह के संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं, वो कौन कौन से ऐसे रोग हैं, उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, उसका इलाज किस तरह? जी, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये इस वक्त मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है, तो डेंगू जैसी बीमारी जो है बहुत ज़्यादा संक्रामक रूप लेकर आती है, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि लोग जो है ध्यान रखें कि अपने आसपास जो पानी भरा हुआ है उसको पानी भरने ना दें, जिससे कि वो मच्छर पैदा ना हो, मच्छर पैदा होंगे तो उससे डेंगू बन सकता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आसपास साफ़ सफाई रखें, और साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो वो इन संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। दूसरी बात, बच्चों में डायरिया जो है मोस्ट कॉमन, बहुत ज़्यादा फैल जाता है बच्चों में, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसके लिए ज़्यादातर ध्यान रखें कि डिहाइड्रेटेड ना होने दें, पानी खूब पिए, और बच्चे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके माँ बाप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। ये दो चीज़ों से बहुत एहतियात बरतें। डॉक्टर साहब, जैसे कि शदीद गर्मी पड़ रही है और बारिश का मौसम भी है, ऐसे में जो बेबी 0 से 6 मंथ तक के हैं, उनको किस टेम्परेचर में रखना चाहिए? देखिए, ऐसे जो बच्चे हैं
उनको ना तो बहुत ज़्यादा धूप में रखना है ना बहुत ज़्यादा ठंड में रखना है। उनको जो रूम टेम्परेचर होता है डिसाइडेड 28 to 30 डिग्री का, उस पर रखा जाए। और बहुत ज़्यादा अगर आपको आपके घर में इतनी सुविधाएं हैं जो एसी है, तो उसमें आप 24 to 25 टेम्परेचर रख सकते हैं, जिसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इससे कम में रखते हैं तो बच्चे कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोल्ड कफ हो सकता है, और ज़्यादा गर्मी में रखेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं, डायरिया हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है मिनिमम टेम्परेचर जो है वो रखें 30 to 24, इतना रहे तो बेहतर है। डॉक्टर साहब, आपके सफिया हॉस्पिटल में मरीजों के लिए किस तरह की अन्य सुविधाएं हैं? अन्य सुविधाओं में सबसे बेहतर जो सुविधा हमने कर रखी है वो ये है कि यहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध रहेगी। उसके साथ साथ 24 घंटे आपको एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। अगर इफ़ इन केस रेफरल का कोई केस होता है तो उसके लिए एम्बुलेंस सुविधा आपके लिए हमेशा यहाँ पर मुहैया रहेगी। प्लस 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा है, जिसमें आईसीयू में आपको सारी मशीनें जो है, जैसे कि ऑक्सीजन है, बाईपैप है, हर तरह की सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। कोई भी इमरजेंसी सुविधा टैकल करने के लिए हमारे पास उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मरीज आपके यहाँ आते हैं और विभिन्न प्रकार की जांचें होती हैं, खून की जांचें, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, जी इसमें किस तरह की सफिया हॉस्पिटल की तरफ से रियायतें दिलाई जाती हैं और कौन कौन सी सुविधाएं इसमें आपके यहाँ? जी जी हमारे यहाँ सभी प्रकार की खून की जांचें होती हैं और बहुत किफ़ायती दामों में होती हैं। ठीक है, उसमें हम देखते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब वगैरह है परिवार, तो ऐसा नहीं है कि एक हमारा डिसाइडेड अमाउंट है, उसमें हम कम भी अमाउंट ले लेते हैं। और वैसे भी हमने न्यूनतम जो रेट होते हैं अपनी लेबोरेटरी जांचों के, वो कर रखे हैं। सारी जांचें हैं हमारे यहाँ, सारी जांचें खून से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, लिपिड प्रोफाइल जितनी भी हैं खून की, वो सारी जांचें होती हैं। सीमन की जाँच होती है, बलगम की जाँच होती है, पेशाब की जाँच होती है, सारी जाँचें होती हैं लैब की यहाँ पर। थैंक यू जी।